जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिवांशु पांडे और आज के सेशन में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का वेलकम। आज के सेशन में हम इंडियन आर्मी में कमीशन होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज कौन सी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी आर्मी है, जहां पर भारतीय युवाओं और युवतियों का सपना होता है कि ये इंडियन आर्मी में कैसे आपके लेफ्टिनेंट के रैंक पर जा सके। तो इस क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहा करती है। शुरुआत करते हैं इस क्लास की अपने सबसे पहले एंट्री के साथ, जिसका नाम है एनडीए एंट्री। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसका रिटर्न एग्जामिनेशन साल में दो बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और एनडीए अकेडमी आपकी एक ज्वाइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस का, जहां पर इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जवान आपके यहां पर ट्रेनिंग किया करते हैं। एनडीए अकेडमी में 3 ईयर की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है और 4th ईयर आपके रिस्पेक्टिव स्पेसिफाइड ब्रांच में भेज दिया जाता है। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के लिए आपका लगभग 200 से लेकर 210 आपकी सीट्स वहां पर अवेलेबल रहती हैं। और एनडीए एकेडमी वर्ल्ड की पहली आपकी ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में आपका इस्टेब्लिश है। इसमें जो एलिजिबिलिटी और प्रोसेस होता है, ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, जिनकी एज 16.5 एंड 19.5 के बीच में है, ओके, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो आसानी से आपका एलिजिबल है इस आपके एंट्री के लिए। और ऐसे स्पेरेंट्स जो कि आपके 12th में पढ़ रहे हैं या फिर अपने इंटरमीडिएट का एग्जाम उन्होंने दे दिया है, चाहे उनका स्ट्रीम कोई सा भी हो, तो वो एनडीए के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके रिटर्न एग्जामिनेशन का प्रोसेस। तो हम सभी जानते हैं कि आपके 2 टेस्ट कंडक्ट होते हैं और दोनों ही टेस्ट आपके MCQs टाइप के होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पहला आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसकी कोडिंग 01 होती है, मैथमेटिक्स, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 120 पूछे जाते हैं, उनकी जो मार्किंग होती है 300 की होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर अलॉट होता है, और वहीं अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.83 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। और मैथमेटिक्स के बाद आपका जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश 50 questions, फिर आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज उसमें रहता है, ठीक है, जिसमें आपके टोटल मिलाकर 50+100 questions रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 4 numbers की, और अगर आप गलत करते हो तो 1/3 यानी कि 1.33 मार्क्स आपके डिटेक्ट करवा लिए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, UPSC कैलेंडर जारी करती है जिसमें उसकी डेट लिखी रहती है, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन को जो आपका क्वालिफाई कर लेता है उसका आपका SSB कॉल अप लेटर आता है, फिर आपको सेंटर जब अलॉट किया जाता है तो आप वहां पर अपनी SSB इंटरव्यू को देते हो। उसके बाद ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि SSB इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं ना, तो वो आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन में पास करने के बाद उनकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। और ऐसे हमारे रिकमेंडेड एस्पिरेंट्स जो कि मेडिकली फिट भी हैं, जो कि आपके ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो उनको आपके एनडीए एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। तो पहली हमारी एंट्री क्या हो गई, 10+2 लेवल की एनडीए एंट्री। द सेकंड वन इज द 10+2 TES एंट्री, ओके। तो देखिए TES एंट्री भी हमारे 10+2 जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन एंट्री है, और उनका जो आपका ट्रेनिंग होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, और साथ ही साथ CME यानी कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग और MCT मऊ जो कि मध्य प्रदेश सिकंदराबाद में है वहां पर आपका भेजा जाता है, और इनके लिए जो हर साल सीट अलॉट की जाती है वो आपकी 90 हुआ करती है। एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात कर लें तो इनकी भी एज आपकी 16.5 to 19.5 आपकी होती है एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, और ऐसे बच्चे जिन्होंने 60% ओके आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं PCM कहते हैं, उसमें आपका क्लास 12th में सिक्योर किया हुआ हो और JEE मेंस में वो बच्चा आपका आया हो, तो उसको जो है 10+2 एंट्री के तहत जो है भेजा जाता है।
और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है आपको joinindianarmy.nic.in पे जाके करना होता है। आर्मी कट ऑफ आपकी डिसाइड करती है और ऐसे बच्चे जो कि अपने जेई मेंस के एग्जाम में अपीयर होके उस कट ऑफ को अचीव कर लेते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट करके SSB कॉल अप लेटर आपका भेजा जाता है, जिससे कि फिर से उनका SSB इंटरव्यू होता है मेडिकल और उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उनको जो है उनके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। द नेक्स्ट ग्रेजुएशन एंट्री इज दी CDS। हम सभी जानते हैं कि CDS स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ओके, ऐसे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट वेदर दे आर बॉय और गर्ल जो कि आपके लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में है या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लिया है, उनके लिए UPSC के थ्रू साल में 2 बार आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और एग्जाम को जो आपका कैंडिडेट क्लियर कर लेता है उसको जो है आपके SSB इंटरव्यू के बाद उनके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाता है। एलिजिबिलिटी प्रोसेस देखते हैं। ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उनकी एज 19 to 24 ईयर्स हो, वो सभी आपके IMA एंट्री के लिए एलिजिबल रहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपकी 18 मंथ्स की रहती है। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट रहता है और इसके लिए सीटें आपकी 100 रहती है हर एक टर्म में, यानी कि 2 टर्म आपका साल में आता है। वहीं OTA की बात कर लें जहां पर आपकी OTA में गर्ल्स बॉयज दोनों एलिजिबल रहते हैं, तो उनकी एज आपकी 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड आपका 49 वीक्स का होता है, लगभग एक साल आप मान लीजिए 11 मंथ्स। नेचर ऑफ कमीशन टेम्प्रेरी और जो उनकी सीट्स होती है हर टर्म के लिए यानी कि साल में 2 बार के लिए, तो आपकी 170 रहती हैं। तो ये थी आपकी CDS एंट्री। द नेक्स्ट वन इज दी टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, जिसको हम TGC कहते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपका आता है। मेनली ये आपका TGS एंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया है उनके लिए ये डायरेक्ट एंट्री होती है। इसके लिए, इस एंट्री के लिए किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है और इस एंट्री में भी आपका SSB प्रोसेस के तहत आपको सेलेक्ट किया जाता है और आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाता है। नेचर ऑफ कमीशन इसमें परमानेंट रहता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है और उनकी एज 20 to 27 ईयर है, ओके, और जो अपने फाइनल ईयर में है या फिर अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में है, तो वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। मेनली ये आपका टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है, यानी कि इसमें आपके इंजीनियर्स ही लिए जाते हैं और इसकी ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की है, IMA देहरादून में होगी और इसके लिए हर एक टर्म में टोटल 40-40 सीट्स आपके अलॉट रहती हैं। द नेक्स्ट वन इज दी SSC टेक एंट्री। तो देखिए SSC टेक एंट्री की नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आती है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ डायरेक्ट एंट्री, जिसमें आपको किसी भी तरीके का रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना होता है और ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना जो है इंजीनियरिंग मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में की हुई है उन वो इस एंट्री के लिए आपके एलिजिबल होते हैं। शॉर्ट लिस्ट जब कर लिया जाता है, जब आपका कट ऑफ जारी होता है, तो ऐसे एस्पिरेंट्स को आपका ईमेल के थ्रू उनको नोटिफिकेशन भेजी जाती है, जिसमें उनका SSB कॉल अप लेटर रहता है। उसके बाद SSB मेडिकल और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद उनका जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं कमीशन की, तो ये आपके टेम्परेरी होते हैं। एज क्राइटेरिया 20 से 27 साल का, ग्रेजुएशन में आपका उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से की हो या फिर आपका MSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपके SSC टेक एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। ट्रेनिंग वीक्स यानी कि 49 वीक्स की होती है, OTA चेन्नई में, और इसमें जो आपकी सीट्स होती हैं हर एक टर्म के लिए 190 होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी जितने हमारे आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो इस एंट्री को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया करते हैं। NCC की बात कर लें, NCC आप सभी जानते हो कि नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म है। इसका मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन कहा जाता है। साल में 2 बार ये एंट्री आपकी आती है। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एंट्री फॉर द NCC कैडेट्स। ऐसे NCC कैडेट जिन्होंने अपना सी सर्टिफिकेट पास आउट हो, जिनकी एज 19 to 25 ईयर्स हो एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग
और जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क आपका लिया हो, तो वो इस आपके एंट्री के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ उनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आपका आर्मी विंग हो, नेवी विंग हो या फिर आपका एयरफोर्स विंग हो, ओके। और इनकी जो आपकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की होती है और हर साल इसमें लगभग आपकी 50-50 सीट्स आपकी अलॉट होती है। तो काफी बेहतरीन एंट्री है जहां पर हमारे एनसीसी कैडेट्स को ये आपका मौका दिया जाता है कि वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। द नेक्स्ट वन इज दी ACC एंट्री, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। तो ये भी आपका ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो आपके इंडियन आर्मी में आपके सोल्जर्स हैं, उनके लिए यूनिट लेवल का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिससे कि उनकी पोटेंशियल देखी जा सके। उस एग्जाम को पास आउट होने के बाद उनके सीनियर ऑफिसर उनका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद लड़कों को सेलेक्ट करते हैं। फिर उनके ट्रेनिंग के लिए उनको कमांड HRDC आपका भेजा जाता है जिससे कि फिर से उनका एग्जाम कंडक्ट हो और बेहतर तरीके से और भी अच्छे कैंडिडेट्स को उसमें चुना जा सके। द टॉप 500 कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट विल बी देन पुट अंडर द स्क्रीनिंग विद 200 देम विद बीइंग सेलेक्टेड फॉर द यंग लीडर कोर्सेज, ठीक है। तो यंग लीडर कोर्स करवाया जाता है, उसके बाद जो है जो आपके 500 कैंडिडेट्स हैं उनको SSB कॉलअप लेटर भेजा जाता है और जितनी हमारी SSB की प्रिपरेशन रहती है, ओके, SSB इंटरव्यू को पास करना होगा, उन्हें एक बार फिर से मेडिकल में बैठना होगा और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आना होगा। इनका नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट रहता है, काफी अच्छी बात है। और एज क्राइटेरिया 20-27 एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, एजुकेशन 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री। काफी बच्चे क्या करते हैं, 10th के पास आपका डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके 12th के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, तो ऐसे आपके एस्पिरेंट्स को ले लिया जाता है। बाकी इसमें अदर एलिजिबिलिटीज की बात कर लें तो ऐसे हमारे सोल्जर जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के हैं, जिन्होंने फोर्सेस में मिनिमम 2 ईयर्स की अपनी सर्विस दी हुई है, वो एलिजिबल हैं। और बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द ACC एंट्री और उनका ACR रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जो है उनको जो है इस एंट्री में बैठने का मौका दिया जाता है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की आपके ACC विंग्स IMA में और 1 साल की आपकी IMA में फिर चला करती है। इनमें जो आपकी सीट्स होती हैं हर टर्म के लिए 75 रहती हैं और SSB क्रैक एग्जाम भी ACC कैंडिडेट्स के लिए रिटन एज वेल एज SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स जो है चला रहा है। द नेक्स्ट वन इज दी टेरिटोरियल आर्मी एंट्री, जिसको हम TA एंट्री कहते हैं। TA एंट्री आपकी एक रिटन एंट्री है, यानी कि ऐसे एस्पिरेंट्स जिनकी एज 18-42 ईयर्स है, नेचर ऑफ कमीशन इसमें परमानेंट रहेगा और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी आपके स्ट्रीम से पास आउट किए हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी की एग्जामिनेशन के लिए वो आपके एलिजिबल रहते हैं, ओके। तो काफी बेहतरीन एंट्री है जिसमें आप देख पा रहे हो महेंद्र सिंह धोनी हैं, कपिल देव हैं, आपके सचिन पायलट हैं और भी बहुत सारे तमाम लोगों को इसमें आपका लिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे आपके एलिजिबल कैंडिडेट जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट फर्म या फिर ओन बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन वो सभी इस आपके एंट्री के लिए एलिजिबल रहते हैं। और सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हो, फिर आपका SSB इंटरव्यू होता है, फिर आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के बाद टेरिटोरियल आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करवाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज दी PCSL एंट्री। तो देखिए PCSL जो एंट्री है वो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए रहती है ना, ये आपके सिविलियंस के लिए नहीं है। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट, एज क्राइटेरिया ऐसे हमारे सोल्जर्स जिनकी एज 32-40 ईयर्स है ना एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, एजुकेशन मिनिमम उनकी 11th पास या फिर आपके इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। इसमें कौन आपका आ सकता है, तो आपके सर्विंग JCOs या फिर आपका नॉन कमीशन ऑफिसर आ सकते हैं। पास होने के बाद इनकी जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 8 वीक्स चलेगी AEC सेंटर पे जो कि पंचमढ़ी, और 4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग IMA देहरादून में कंडक्ट की जाती है। अप्रॉक्सीट इसमें हर साल 100 आती है और रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका SSB इंटरव्यू, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है जिसके बाद आपको जो है फाइनली कमीशन किया जाता है इंडियन आर्मी में। द नेक्स्ट वन इज दी SCO एंट्री। तो देखिए SCO एंट्री भी हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए है, जिसका नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट है, एज क्राइटेरिया 30-35 ईयर्स है, एजुकेशन मिनिमम आपका 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए,
इलिजिबिलिटी, उन्होंने 5 साल कम से कम आपका इंडियन आर्मी में किया हो, और हमारे ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके मैरिड और अनमैरिड हैं, वो सभी आपके इस SCO एंट्री के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग 8 वीक्स की AEC सेंटर पंचमढ़ी में चलती है, 1 साल की आपकी OTA गया में। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी जानते हो कि SSB के थ्रू आपको जो है गुजरना होगा, SSB इंटरव्यू के थ्रू, और इनकी जो अप्रॉक्स सीट रहती है वो 100 सीट्स ईच टर्म के लिए दी जाती है। तो यहाँ से हमने 10+2 से लेकर ग्रेजुएशन एंट्री सभी एंट्रीज को कवर कर लिया, जहां से आप इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी SSB एस्पिरेंट्स SSB क्रैक एग्जाम के इस ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होके 1 ईयर का फुल एक्सेस लेकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम प्रिपरेशन करवाते हैं। ऐसे एस्पिरेंट जो कि हमारे रिटर्न कोर्सेस में आना चाहते हैं, जैसे कि आपका NDE, CDS, MS, टेरिटोरियल आर्मी, वो भी अवेलेबल हैं। सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनरोल होने से पहले कोर्सेज में आप सभी इस वॉरी 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।